الرحمن الرحيم السلام عليكم students how are you all I hope you all are fine and doing well at your homes okay students now recite with me everyone Rabbi zidni ilma okay this is your mathematics workbook so take out your maths books and let's open page number 53 with me Okay students page number 53 first of all mention today's date and day सबसे पहले आपको date and day mention करना है then आपको अपना work start करना है okay अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा tricky work है तो आपको ध्यान से समझना भी है और ध्यान से करना भी है यहाँ पर हमें कुछ shapes देनी है यहाँ पर भी हमें एक कुछ shapes देनी है सबसे पहले हम question पढ़ते हैं कि question क्या है question number 1 is Circle the shapes accordingly. Sorry, color the shapes accordingly. Circle, square, triangle, rectangle. यहाँ पे देखें हमें क्या करना है हमें ये shapes name दिए गए हुए हैं और इधर हमें shapes बना के दिखाई हुई हैं और उसमें colors हुए हैं उनके according हमें इधर shapes में color करने हैं जो teacher कर चुकी हैं ठीक है Also tell how many of each shape are there in the pictures. और हमें बताना है इधर के कितने टोटल शेप्स हैं सर्कल्स कितने हैं ट्रायंगल्स कितने हैं रेक्टेंगल्स कितने हैं एंड स्क्वायर्स कितने हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग कलर्स करेंगे जैसे टीचर ने किए हैं सबसे पहले देखिए सर्कल सर्कल में आपको रेड कलर करना है यहाँ पर देखिए ये सर्कल है आपको पता ओके ये सर्कल है 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 टीचर ने इसमें रेड कलर किया है क्योंकि हमें इधर देखें सर्कल में रेड कलर करना है और हम यहीं से काउंट भी कर लेते हैं कितने सर्कल्स हो गए 1 2 3 4 5 हम इधर लिखेंगे सर्कल्स में 5 अब हम देखें ट्रायंगल्स काउंट करते हैं और ट्रायंगल्स में कलर करते हैं ट्रायंगल में कौन सा कलर होना है ब्लू तो अब हम देखें ब्लू देखें ट्रायंगल पहले कहाँ है 1 2 3 4 5 6 दीज आर ट्राइंगल्स इसमें हम कौन सा कलर करेंगे ब्लू टीचर ब्लू कलर डन कर चुकी है आपको भी इस तरीके से करना है और इधर हम लिख देंगे 6 ट्राइंगल्स हमारे पास कितने हैं 6 रेक्टेंगल्स अब यहाँ पे देखें रेक्टेंगल्स हम काउंट करेंगे कलर करेंगे और हम इधर लिख देंगे रेक्टेंगल हमें ग्रीन कलर का करना है ठीक है यहाँ पे देखें ये रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल है ये सारे रेक्टेंगल्स हैं तो हम इसमें कौन सा कलर करेंगे ग्रीन अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स भी 6 हैं तो टीचर के साथ आप लोग लिखें 6 स्क्वायर्स स्क्वायर्स में कौन सा कलर होना है ऑरेंज तो अब देखें स्क्वायर्स कितने हैं स्क्वायर्स तो हमारे पास हैं ही नहीं सिर्फ 1 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इधर से हम एस कट कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा 1 ठीक है ये वाला भी स्क्वायर है लेकिन हमें इसे काउंट नहीं करना हम सिर्फ इस वाले स्क्वायर को काउंट करेंगे और इसमें हम ऑरेंज कलर करेंगे ठीक है अब नीचे वाली पिक्चर पे देखें इसमें हमें क्या करना है इसमें भी हमें सेम ऐसे ही करना है ठीक है अब देखें सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल्स सर्कल्स में कौन सा कलर करना था रेड ये देखें नीचे ये जो व्हील्स हैं ये सर्कल्स हैं इसमें हमने पूरे में रेड कलर कर दिया 5 हैं ये 1 2 3 4 5 तो आप लोग टीचर के साथ लिखिए इधर 5 ट्रायंगल में देखिए कौन सा कलर करना है ब्लू इधर देखें ट्रायंगल्स कितने हैं 1 2 ये 2 ट्रायंगल्स हैं तो इधर हम लिखेंगे 2 टीचर के साथ आप लोग लिख दें 2 रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल्स कितने हैं और रेक्टेंगल में कौन सा कलर होने हैं ग्रीन यहाँ पर देखें रेक्टेंगल आप टीचर के साथ काउंट करें 1 2 2 हैं रेक्टेंगल्स भी तो इधर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर्स अब हम स्क्वायर्स काउंट करेंगे कि स्क्वायर्स कितने हैं ठीक है स्क्वायर्स में कौन सा कलर होना है ऑरेंज अब स्क्वायर्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 इधर हम लिखेंगे 4 ओके स्टूडेंट्स ये देखें जिस तरीके से टीचर ने वर्क किया है आपको भी इसी तरीके से काम करना है
और अब हमें पेज नंबर 54 भी करना है, ठीक है, ये वाला भी करना है, ये भी टीचर कर चुकी है, ये हम पहले भी काम कर चुके थे, अभी भी आपको करना है। ये हमें किस तरीके से करना है टीचर आपको बताएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट सॉलिड्स मेक अप दिस मॉडल, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप आर देयर, कंप्लीट दी टेबल्स बिलो। इधर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें शेप्स के नेम्स लिखने हैं और इधर हमें लिखना है कि टोटल वो कितने शेप्स हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर शेप्स, यहाँ पे देखिए कौन लिखा हुआ है, कौन कितनी है हमें वो काउंट करनी है, कौन तो ऑलरेडी काउंट हुई हुई है, यहाँ पर देखें जस्ट वन कौन है, इसमें हम लिख देते हैं वन, तो यहाँ पर वन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम सेकंड पे लिखेंगे क्यूब, ठीक है, क्यूब्स हम लिखेंगे, क्यूब्स हमें काउंट करने हैं कि क्यूब्स कितने हमारे पास, यहाँ पर आप काउंट कीजिए टीचर के साथ, वन टू, यहाँ पर हमारे पास कितने क्यूब्स हैं, टू, तो यहाँ पर टीचर ने टू लिखा है, आपको भी लिखना है टू। अब हम इधर थर्ड पे लिखेंगे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आप टीचर के साथ काउंट कीजिए, क्यूबॉइड कितने हैं, ओनली वन, तो इधर हम लिखेंगे वन। अब हम काम करेंगे स्फीयर, स्फीयर कितने हैं, वन एंड टू, तो टीचर ने इधर लिख दिया स्फीयर्स और इधर लिख दिया टू। अब हम काम करेंगे सिलेंडर, ठीक है, अब हम सिलेंडर लिखेंगे इधर, काउंटेड वन, ओनली वन सिलेंडर, तो इधर हम लिखेंगे वन। अब नीचे वाली शेप्स पे आएँ, नीचे पहले हम सब पे लिख लेंगे कोन, क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर्स, ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अब हम काउंट करते हैं कोन्स कितनी है हमारे पास, देखें वन टू, तो आप इधर लिखें टू जैसे टीचर ने लिखा है। अब आप देखें क्यूब्स, क्यूब्स कितने हैं हमारे पास, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे टीचर ने लिखा है फोर, आपको भी लिखना है फोर। क्यूबॉइड्स, क्यूबॉइड्स देखिए कितने हैं, वन टू, टीचर ने इधर टू लिखा है, आपको भी क्यूबॉइड्स में टू लिखना है। स्फीयर, स्फीयर देखें ओनली वन, तो टीचर ने इधर वन लिखा है, आपको भी वन लिखना है, ओके। अब देखें सिलेंडर, सिलेंडर कितने हमारे पास, वन एंड टू, वन एंड टू, हमारे पास टू सिलेंडर्स हैं, टीचर ने टू लिखा है, आपको भी इसी तरीके से लिखना है, ओके। जिस तरीके से टीचर ने काम किया है आपको भी उसी तरीके से काम करना है। डू योर वर्क नीट एंड प्रॉपर ऑन लाइंस, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।